हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू आर चैनल आर हेल्थ एंड वेलनेस सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की बात करें तो एक हाईली डेवलप्ड ऑर्गेन है और जो कि स्कल के क्रेनियम में सिचुएटेड होता है एडल्ट्स में लगभग ये थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम्स का अप्रोक्सीमेट हो सकता है ब्रेन के बाहर थ्री मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम मैनजिस कहते हैं ये थ्री होती हैं ड्यूरोमेटर एरेक्नॉयड मेटर एंड बायोमीटर तो जो आउटर टफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम ड्यूरोमेटर कहते हैं और ये फाइब्रस टिश्यूज़ की बनी होती है मिडल में एक थिन एरक्नोइड मेटर होता है जो कि वैस्कुलर होती है और जबकि जो सबसे अंदर होती है बायोमीटर वो थिन एंड वेस्कुलर होती है हम इन मैमब्रेन्स के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि स्पेस को फिल करता है बिटवीन द मैनजेस ब्रेन कैविटीज को भी फिल करता है वेंट्रिकल्स को भी फिल करता है ह्यूमन ब्रेन को हम थ्री मेजर रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं वन इज फोर ब्रेन नेक्स्ट इज मिड ब्रेन एंड द अदर वन इज हाइंड ब्रेन सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन की जो कि एंटीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन होता है सबसे आगे का जो हिस्सा होता है ब्रेन का दैट इज फोर ब्रेन ये थ्री मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको ऑल्फैक्ट्री लोब्स सेरेब्रम एंड डाइनसेफिल तो जो अल्फेक्ट्री लोब्स होते हैं वो एक पेयर में होते हैं और बहुत छोटे क्लब शेप्ड बॉडीज होते हैं जो कि सेरेब्रम से पूरी तरह ढके हुए होते हैं तो आप नीचे की तरफ से अगर ब्रेन को देखेंगे तब दिखेंगे आप ऊपर से देखेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे तो ये एक सेंटर ऑफ स्मेल की तरह एक्ट करते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोमिनट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है ये एक मीडियन लॉन्गिट्यूनल ग्रुप के थ्रू दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है राइट सेरेब्रल हेमस्फेयर एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमस्फेयर और जो सरफेस होता है सेरेब्रल हेमिसफेयर का उनमें फोल्डिंग्स होते हैं जिनको हम गायराई एंड सलकाई बोलते हैं जो अपवर्ड फोल्ड्स होते हैं उनको हम गायराई बोलते हैं और जो डाउनवर्ड डिप्रेशन या ग्रूफ्स होते हैं उनको हम सलकाई कहते हैं सेरेब्रम का फंक्शन होता है हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को गवन करना जैसे लर्निंग है मेमोरी है इंटेलिजेंस है रीजनिंग है थिंकिंग है ये हमारे इमोशंस स्पीच और विल को भी कंट्रोल करता है सेरेब्रम में स्पेसिफिक सेंसरी एरियाज होते हैं हर हर तरह के स्टमुलस uh, के लिए हमारा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये फिशर्स के थ्रू फोर लोब्स में डिवाइडेड होता है फ्रंटल लोब पेराइटल लोब ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब हर लोब के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे अगर पैराइटल लोब की बात करें तो ये हमारे कॉन्शियस एसोसिएशन पेन टेम्परेचर और टच से रिलेटेड होता है ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो ये विजुअल रिसेप्शन के लिए या फिर साइट के लिए विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रंटल लोब की बात करें तो ये स्पीच फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज़ या फिर हायर मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सबल होता है टेम्पोरल लोब की बात करें तो ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सबल होता है डाइनसिफिलोन की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस तो इसमें कुछ कंट्रोल यूनिट्स होते हैं बॉडी के लिए जैसे टेम्परेचर का यूनिट हंगर थर्स्ट या फिर स्लीप का यूनिट होता है नेक्स्ट आ जाता है आपका मिड ब्रेन मिड ब्रेन वो पोर्शन है जो आपके एंटीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन को पोस्टीरियर रीजन से कनेक्ट करता है तो जितने भी नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं वो सब इसी रीजन से होकर जाते हैं इसमें ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो कि हमारे विजन से रिलेटेड होते हैं मिड ब्रेन में टू फाइबर ट्रैक्स होती हैं जिनको हम क्रूरा सेरेब्राई और दो स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई सुपीरियर कॉलिकुलाई आपकी रिलेटेड होती है फॉर द साइड रिफ्लैक्सेस और इन्फीरियर कॉलिकुलाई आपकी रिलेटेड होती है फॉर ऑडिटरी रिफ्लैक्सेस ऑन ईच साइड तो जो फोर स्वेलिंग्स होती हैं दोनों ही साइड की उनको ऑल टुगेदर हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वरी नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है आपका सेरेब्रम सरबेलम आता है पॉन्स फेरोलाई आते हैं या फिर मेड्यूला ओब्लोंगेटा भी आता है सेरेबेलम की बात करें बिल्कुल पीछे की तरफ होता है डॉसल रीजन में प्रेजेंट होता है और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है इक्वलिवरियम मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है पोस्टर्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये बॉडी मूवमेंट्स को स्मूथ स्टीडी और कोऑर्डिनेटेड बनाने में काफी हेल्प करता है नेक्स्ट आते हैं पोन्स वेरोलाई जो कि ब्रेन स्टेम का हिस्सा बनाते हैं इन द फ्लोर ऑफ हाइंड ब्रेन ये एक ब्रिज होता है ट्रांसफर नर्व ट्रैक्स का फ्रॉम सेरेब्रम टू द सेरेबलम ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से पॉन्स का फंक्शन होता है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन मेडुला ओब्लोंगेटा की बात करें लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है इसमें एक कैविटी होती है जिसको हम फोर्थ वेंट्रिकल भी कहते हैं इसमें वाइटल रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं जैसे सेंटर्स फॉर स्नीजिंग काफिंग स्वालोइंग वॉमिटिंग एंड सेंटर अब हम बात करेंगे डिफ्रेंसिस बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम के सेरेब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है जबकि सेरेबेलम हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है लगभग 80% परसेंट ऑफ ब्रेन बनाता है जबकि सेरेबेलम स्मॉलर पार्ट होता है लगभग 12.5% पॉइंट ऑफ ब्रेन बनाता है सेरेब्रम कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को स्पीच को साइट स्मेल टेस्ट इंटेलिजेंस एंड हियरिंग को जबकि सेरेबलम का फंक्शन होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विवरियम ऑफ द बॉडी सेरेब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेमोरी जबकि हमारा सेरेबलम हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है सेरेब्रम में टू कैविटीज होती हैं जिनको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं जबकि सेरेबेलम में कोई भी कैविटी नहीं होती है सेरेब्रम हमारा फ्रंट सुपीरियर और लेटरल साइड ऑफ ब्रेन बनाता है जबकि सेरेबेलम हमारा पोस्टीरियर रीजन ऑफ ब्रेन बनाता है सेरेब्रम में टू पार्ट्स होते हैं जिनको हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हैं जबकि सेरेबेलम में थ्री पार्ट्स होते हैं टू लेटरल सेरेबलार हेमिसफेयर्स एंड अ सेंट्रल वर्मिस जो कि दोनों ही सेरेबेलार हेमस्फेयर्स को कनेक्ट करती है आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि मेडुला ऑबलोंगेटा से राइस करता है पूरे ही वर्टिब्रल कॉलम में रन करता है अंदर इसके फ्लोटफ फील कैविटी होती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड हमारा वर्टिव्रल कॉलम के अंदर होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी सराउंडेड होता है मैनेंजिस से जिनकी हमने अभी बात करी थी ड्यूरा मैटर एरक्नोइड मैटर एंड पायोमेटर थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज करती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस होते हैं कि एक रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर की तरह एक्ट करता है तो ये ब्रेन के वक़ को थोड़ा बहुत कम कर देता है स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंसरी और मोटर इंपल्स को कंडक्ट करता है टू एंड फ्रॉम द ब्रेन अब नेक्स्ट आ जाता है आपका पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो जो न्यूरॉन्स होते हैं पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम के उसमें मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं अब दो तरह की नर्व्स होती हैं एक तो होती हैं क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से एराइज करती हैं और पूरे हेड में स्प्रेड होती हैं एक्सेप्ट टेंथ क्रेनियल नर्व जिसको हम वेगस नर्व भी बोलते हैं जो कि अब डोमिन तक जाती है लगभग ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिनमें सेंसरी न्यूरोस भी हो सकते हैं मोटर भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं और ये हेल्प करते हैं हमें स्मेल में हियरिंग में टेस्ट में आई मोमेंट्स में विजन में नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्पाइनल लर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड करती हैं एक्सेप्ट हेड लगभग थर्टी वन पेयर ऑफ स्पाइनल लर्व होती हैं जिसमें दोनों ही न्यूरोन्स होते हैं सेंसरी एंड न्यूमोटर न्यूरो जो कि हमारी सेंसेशन स्वेट सिक्रेशन और मोमेंट में हेल्प करते हैं नेक्स्ट आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये हो गया जो कि सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं ये ऑटोनोमिक जो नाम है उसकी तरह ये ऑटोमेटिकली काम करता है यानी कि इन काम करता है मतलब हमारी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करेगा तो इसमें सारे ही रिस्पॉन्स होते हैं जो स्टिमुलस से इफेक्ट नहीं होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होते हैं फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव फ्लोइड का सिक्रीशन क्या हम अवेयर नहीं होते फिर भी हमारा डाइजेस्टिव फ्लोइड सिक्रीट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन टू सिंपथैटिक एंड पैरासिंपेथैटिक नर्वस सिस्टम तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की जब एक्टिविटी होती है तो कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का हार्ट की बात करें तो जब सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है हार्ट बीट बढ़ती है जबकि पैरासिम्पेथैटिक नर्वस सिस्टम जब वर्क करता है हार्ट पर तो उसका कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है और हार्ट बीट भी, भी कम हो जाती है ब्लड वेसल्स की बात करें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अंडर सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम अगर वर्क करता है तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं लंग्स की बात करें तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंकाई और ब्रोंकिल्स को डायलेट कर देता है जबकि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंकाई और ब्रोंकिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टोमक को का जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है उसको इनहिबिट करता है जबकि पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है सलाइवरी ग्लैंड की बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा जबकि पैरासिम्पैथैटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरास्टाइल्सिस को कम कर देता है जबकि पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम पैरासटाइलिस को बढ़ाता है सिंपेथैटिक नर्वस सिस्टम स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाता है जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन को कम कर देता है आइस की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायलेट कर देता है प्यूपल्स को जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है प्यपल्स को यूरिनरी ब्लैडर की बात करें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है यूरिनरी ब्लैडर को जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है यूरिनरी ब्लैडर को सो दैट्स ऑल फॉर द डे Thank you so much.